हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल. नमस्ते, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे. तो आज मैं लेके आई हूँ और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो, वो है बच्चों को आप कैसे प्लेस वैल्यू टेंस और वंस में आप सिखा सकते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल है और उसके साथ साथ बहुत ही कंफ्यूजिंग है. अगर बच्चा ये स्टेप एक बार अच्छे से सीख लेता है तो आगे जाके उसको 100,000 प्लेस वैल्यू करने में उतनी दिक्कत नहीं होगी. तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वैसे तो बहुत से एग्जांपल्स हैं जिससे कि आप बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखा सकते हैं, बट मैं अपने जो बच्चों को, जो किड्स को कैसे उनको सिखाती हूँ, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ. ये मेरा ट्रिक है, ठीक है? तो पहले हम बच्चों को क्या बताएंगे कि पहले हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि प्लेस वैल्यू को आपको टेंस और वंस में कैसे उसको प्लेस करना है, क्या होता क्या है. तो पहले आप बच्चों को ये सिखाएं कि व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू. तो प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ए नंबर, ठीक है? तो चलिए अब हम बच्चों को पहले उनको सिखाते हैं कि टी स्टैंड्स फॉर वर्ड एंड ओ स्टैंड्स फॉर वर्ड. तो टी किस चीज़ से स्टैंड करता है एंड ओ का स्टैंड क्या है, उसका इसमें मतलब इम्पोर्टेंस क्या है. तो टी स्टैंड्स फॉर टेंस एंड वन एंड ओ स्टैंड्स फॉर वंस. तो टी स्टैंड्स करता है आपका टेंस के लिए एंड ओ स्टैंड्स करता है वंस के लिए. तो इससे आप बच्चों को क्या सिखा सकते हैं कि टी, देखिए हम लोग जब टी का जब हम लोग स्पेलिंग लिखते हैं, जब हम लोग उसको वर्ड में लिखते हैं, टेन का वर्ड जब हम उसको न्यूमेरल जो वर्ड हम लोग नंबर नेम लिखते हैं, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, टी ई एंड टेन, तो उसका इनिशियल लेटर क्या है, टी. तो वहाँ पर आप उसको बोल सकते हो टी. एंड ओ हम लोग जो वन लिखते हैं उसका नंबर नेम क्या होता है, ओ, तो उसका इनिशियल लेटर जो होता है वन, तो वो स्टैंड करता है ओ में. तो ये तो हुआ टेंस और वंस का जो स्टैंड करता है. उसके बाद आता है कि आप एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि आपके बच्चों को जब आप प्लेस वैल्यू जब उसको सिखाना चालू करो आप स्टार्टिंग में, उसको 1 to 100 तक का उसको काउंटिंग आना चाहिए, अच्छे से उसको वो काउंटिंग आनी चाहिए, तभी जाके वो यहाँ पे प्लेस वैल्यू जो डिजिट्स होगा उसको वो अच्छे से प्लेस कर पाएगा. तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद होता है अब यहाँ पे हम बच्चों को सिखाना है, सिखाएंगे कि टेंस और वंस आपको कैसे प्लेस करना है. तो देखिए जैसे कि 1 to 9 जो होता है वो आता है वन प्लेस में, एंड 10 to 99 जो होता है वो आता है टेंस प्लेस में. तो 1 to 9 जैसे कि आप उनको ऐसा सिखा सकते हैं, जब हम 1, 2, 3, 4 जब लिखते हैं तो इसके आगे या इसके पीछे कोई नंबर है नहीं, तो इसको हम वंस प्लेस में प्लेस करेंगे. उसी तरह जब 10, 9, 99, 12 जब ये होता है ये सब नंबर, तो इसको इसमें आप कितने डिजिट देख रहे हो, तो 2 डिजिट देख रहे हो, तो इसको आपको टेंस के प्लेस में रिप्रेजेंट करना है. तो उसी तरह क्या होता है, ये तो हो गया उनको पूरी तरह सिखाने का एक ट्रिक. फिर आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप ये समझाने के बाद आप देखिए कि आपका बच्चे के कैपेबिलिटी कितना हो रहा है, कितने अच्छे से उस चीज़ को समझ पा रहा है. ये चीज़ आपने उसको समझा दिया अच्छे से, तो उसके बाद आता है जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ वर्कशीट्स बनाए हैं ताकि बच्चा यहाँ पे अच्छे से समझ पाए. जैसे कि यहाँ पे आप उसको इतना आपने समझा दिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे मतलब उसको आप पहले कुछ टेस्ट टाइप का दीजिए. आप यहाँ पे देखिए कि उसको कितने हद तक समझ में आई है. जैसे कि यहाँ पे है इन 29, 9 इज एट, तो 9 कौन से प्लेस में है. तो यहाँ पे बच्चों को जैसे कि अगर वो चाहे तो यहाँ पे टी
यहाँ पे वो टी और वंस प्लेस लिख सकता है, उसके बाद वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे वो लिख सकता है कि वंस के प्लेस में है। इनिशियली आप बच्चों को इस तरह करवाइएगा तो क्या होगा, उनको भी इस चीज़ का आस्ते आस्ते उनको अपने आप वो चीज़ आने लग जाएगा, विदाउट वो देखे वो इस चीज़ को कर लेंगे। उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद जैसे कि आया 75, तो 75 में क्या है, आप यहाँ पे उनको पूछ सकते हो कि कौन से प्लेस में है, लाइक 7 इज़ ऑन 10th प्लेस। फिर उसके बाद ये और एक वर्कशीट जो बनाया मैंने, राइट द प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे उनको लिखना है कि कौन से प्लेस में कौन सा है। और एक चीज़ आप उनको यहाँ पे समझा सकते हैं, दैट जो टेंस होता है, टेंस और वंस का जो प्लेस होता है, प्लेस वैल्यू होता है, वो हमेशा टेंस जो होता है आपका वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है, एंड वंस जो होता है वो हमारे राइट हैंड साइड होता है। तो यहाँ पे भी आप बच्चों को इनिशियली आप ऐसे सिखा सकते हो डैट वंस जो प्लेस आ रहा है वो हमेशा राइट हैंड साइड में होता है, जिस हाथ से आप खाना खाते हो वो आपका राइट साइड है, और जिस हाथ से आप मतलब उसका वो लेफ्ट साइड होगा। तो इधर भी आपको ये और एक ट्रिक है, बट ये बहुत ही लास्टली आएगा, जब तक आप देखोगे जब मतलब पूरी तरह नहीं समझ पा रहा, ये लास्टली आप उनको समझाइएगा। तो ये गया टेंस और वंस का और एक कंसेप्ट। और एक चीज़ भी आ सकता है, आप बच्चों को जब भी कुछ करवाओ तो उनको मतलब बता दीजिए कि आपको पहले आपको टी लिखना है, लाइक टेंस, उसके बाद आता है वंस, उसके बाद उनको लिखना है वंस। तो ये भी एक ट्रिक होगा उनको सिखाने का, जब भी वो कुछ भी सॉल्व करें तो ऊपर में वो पहले टी लिख दें और फिर नीचे में ओ लिख दें। तो ये रहा, उसके बाद आता है यहाँ पे जैसे कि उनको 9 कौन से प्लेस में है एंड 5 कौन से प्लेस में। तो इधर वो चीज़ मतलब वो चीज़ आपको जो मैंने अभी बताया वो ट्रिक काम देगा, लाइक यहाँ पे वो टी लिखेगा, यहाँ पे वो ओ लिखेगा। उसी तरह 7 और 9 टेंस प्लेस में है, वंस प्लेस में है। फिर आता है ये बिट्स बनाने का, ये भी बहुत अच्छा ट्रिक है बच्चों को सिखाने का, डेट टेंस प्लेस में जो 4 है उसको आपको कितने यहाँ पे बिट्स बनाने हैं। तो टेंस प्लेस में यहाँ पे जैसे कि वो 1, 2, 3, 4, और 3 वंस प्लेस में कितने हैं, तो 1, 2, 3। ये बिट्स के थ्रू भी आप उनको सिखा सकते हैं। तो आई थिंक होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगा होगा, बहुत ही आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।